नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे भाजपा के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मणिपुर मामले में सिर्फ राजनीति की, विपक्ष ने मणिपुर के लोगों के साथ सिर्फ विश्वासघात किया है। वे मणिपुर पर चर्चा ही नहीं करना चाहते थे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, फिर वोटिंग से भाग गए। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। बहुत ही दुखद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री, उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा होए जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से नया विश्वास, नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, देश पूरा संसद के साथ जुड़ा हुआ था। आपने देखा है कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया और देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है उसका भी करारा जवाब दिया। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए। एक नारा सुनते आए हैं, चारों तरफ वही बोला जाता है और चुनाव के समय तो जरा चिल्ला चिल्ला करके बोला जाता है, चीख चीख करके बोलाया जाता है। क्या नारा है? गरीबी हटाओ। कितनी बार सुना है, कितनी पीढ़ियों ने सुना है, नारे नारे नारे, बस नारे देते गए। लेकिन जिन्होंने ये नारा दिया उन्होंने कभी गरीब की सूद नहीं ली, गरीबों की परवाह नहीं की और न ही वो गरीबी हटा पाए। एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि जो काम पांच दशकों में नहीं हो सका वो भाजपा सरकार ने इतने कम समय में कैसे करके दिखाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से अपील की कि नशा नाश का कारण बनता है, इससे बचकर रहे। वहीं इसके बाद सीएम दो दिवसीय दौरे पर गोरखनाथ पहुंचे। हम आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल स्वयं को बल्कि समुदाय, परिवार, मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। ओलंपिक में मेडल, गोल्ड मेडल जीतने वाला एकल खिलाड़ी को प्रदेश सरकार अपने स्तर पर 6 करोड़ रुपए की राशि, नगद राशि देती है। 3 करोड़ राशि सिल्वर मेडल पर देती है, ब्रॉन्ज मेडल पर भी उस खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि, उनको राशि उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसे ही टीम गेम पर भी बहुत अच्छी राशि उपलब्ध कराई जाती है और इसीलिए आज खेल और खिलाड़ी, इन दोनों के लिए जो मंच डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है, उस मंच का बेहतर उपयोग करके अपनी ऊर्जा का उपयोग
रचनात्मकता के साथ करते हुए हम कार्य करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। 2 करोड़ युवाओं को आपकी राज्य सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, स्किल डेवलपमेंट का कार्य कर रही है। हमारा युवा स्वावलंबी बने और उसके स्वावलंबन से हमारा प्रदेश और हमारा देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस दिशा में एक निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। युवा साथियों, हम सबको समझना होगा ये नशा नाश का कारण है। ये नशा वास्तव में जवानी को समाप्त करने का एक कारण है और इससे जितना दूर रह करके हम स्वस्थ चिंतन को बढ़ावा दे सकें उतना ही अच्छा है। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की भगत मान सरकार स्वतंत्रता दिवस के 76वें सालगिरह पर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश सरकार पंजाब में 76 और मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त को भगत मान मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। इसी संबंध में आज चंडीगढ़ में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अभी तक पंजाब में 403 गांव में और 180 शहर में आम आदमी क्लिनिक खोले गए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पंजाब की भगत मान सरकार राज्य के लोगों को अच्छी सुविधाएं दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक 44 लाख से ज्यादा लोगों ने आम आदमी क्लिनिक का लाभ उठाया है। पंजाब में आम आदमी क्लिनिक तैयार हो गया है, 15 अगस्त से चालू होंगे। डेडिकेट करेंगे टूरी दे विच पिंड राजो माजरा तो हुण तक जिहड़े साडे हैगे आ ओह 583 जिहदे विचों 403 पिंडां दे विच और जिहड़े 180 हैगे आ शहरां दे विच और उहदी बहुत अच्छी एक पॉजिटिव फीडबैक लोकां वल्लों भी और उहदी जिहड़ी कारगुजारी बहुत अच्छी रही आ जिहदे विच तकरीबन 44 लाख तों वध लोकां ने इलाज कराया, 20 लाख तों वध टैसट होए आ, 80 दवाइयां और 38 जिहड़े टैसट आ डिफरेंट किस्म दे टैसट आ लोकां नूं सुविधा मिल रही आ और 30 करोड़ तों वध जिहड़ियां हैगियां उह दवाइयां असीं जिहड़ियां लोकां नूं दित्तियां हैगियां वैल्यू दीआं। लेकिन लोक इहदे नाल लोकां दे जिहड़े आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज आ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 76 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਗੇ। पंजाब पुलिस ने सरहद पार के नशा तस्कर के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 5 किलो हीरोइन बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरपाल सिंह उर्फ भल्ला के रूप में हुई है। पुलिस ने 5 किलो हीरोइन के अलावा उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। तो नशे के खिलाफ जंग में पुलिस की सफलता का ये अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 5 किलो हीरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के देवास में कांवड़ यात्रा के पोस्टर हटाए जाने को लेकर बवाल हो गया, जहां संस्था के संस्थापक और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, संस्था सिद्धि विधायक के जरिए 20 तारीख को निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा के पोस्टर नियम निगम ने हटा दिए, जिसके बाद आज संस्थापक और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। तो वही नियमायुक्त बोले कि नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत पोस्टर हटाए गए हैं, इन पोस्टर की अनुमति नहीं ली गई थी और सभी को स्वच्छता सहभागिता में भाग लेना चाहिए। तो वही संस्थापक और कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक और महापौर के कहने पर पोस्टर हटाए गए हैं, इस तरह का अहंकार भरा व्यवहार है। उन्होंने हमें सबके सामने यह किया है, मीडिया में खड़ी थी कि वोटिंग भी दिए जाएंगे, पैसा लगाए जाएंगे। देखिए ये कैसा सोता लगा व्यवहार, एक माँ बेटे जो अपनी छवि को चमकाने के लिए झूठा प्रचार करने के लिए 6-6 महीने तक होर्डिंग लगा कर रखते हैं, नगर निगम के कर्मचारी होर्डिंग लगाते हैं, बोल टूटता है, नुकसान होता है, जनता के राजस्व का नुकसान होता है। कोई अगर नर्मदा नायक नाम लिख कर अगर होर्डिंग लगाता है उनको होर्डिंग उतरा देते हैं, बोले कि देवास में नर्मदा नायक कोई हो नहीं सकते, जबकि जो लोग पैदल चल कर गए उनकी बात जनता तक पहुँचना चाहिए, उनके होर्डिंग तैयार। बेसिकली एक पूरा देश में ये चीज़ें हैं कि आप लोग भी जानते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण एक सबसे अहम भूमिका रहता है, जिसमें सभी लोग मिलजुल के प्रतिभागिता करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। तो इसमें ये सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जो भी नॉर्म्स आते हैं, चूँकि सर्वेक्षण का समय बड़ा निकट है, तो उसी जो तारतम्य में हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसी का प्रक्रिया का पालन जो समान रूप से सभी पे किया जाता है, वो सर्वेक्षण के लिए निगम।
उधर नरसिंहपुर में बीती रात पिस्टल से धनाधन फायरिंग करने वाले फरार आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां आरोपी को पुलिस ने जुलूस की शक्ल में पैदल ले जाते हुए नकलाय में पेश किया। आपको बता दें, पुलिस की माने तो रास्ते में पुलिस की जीप खराब हो जाने के कारण आरोपी को पैदल ही ले जाना पड़ा। बीती रात पुराने वाद को लेकर एक युवक ने दूसरे पर गोली चला दी थी, जहां गोली चलने से युवक के पैर में गोली लग गई थी। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग कर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। तो वहीं पुलिस की सक्रियता के चलते कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कल रात्रि में नीरज मेहरा नामक व्यक्ति ने धनारे कॉलोनी में एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें कि एक युवक घायल हो गया था, जिसमें धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और उसको यथाशीघ्र गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। उसका कोई जुलूस नहीं निकाला गया था। गाड़ी खराब होने के बाद उसे, क्योंकि समय कम था इसलिए उसको, फिर गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए उसको पैदल कोर्ट तक ले जाया। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के जिले रायसेन में करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। जहां स्वास्थ्य महकमे कर्मचारियों की भविष्य निधि वेतन टीए वेतन निधि में करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों द्वारा खुद के खाते और अपने परिचितों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया। फिलहाल मामले की जांच में 2 करोड़ से ऊपर की हेराफेरी का मामला सामने आया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आगे और मामले की जांच पड़ताल होगी तो ये घोटाले की राशि बढ़ भी सकती है, इसको लेकर कहा जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग में इसके बाद हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। द्वारा अवगत कराया गया था कि सीएमएचओ कार्यालय में एक काफी बड़े अमाउंट जो है वो वहां पे जो कार्य को हैंडल करते थे कर्मचारी, उन्होंने गलत तरीके से अपने किसी रिश्तेदार या परिचित के खाते में वो पैसे डाले हैं और इसमें जो राज्य स्तर से कोषालय की टीम जो है वो विस्तृत जांच कर रही है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी है, तो वहीं यमुनानगर में भी पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। बता दें, हर आने जाने वाले वाहन और संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी लोगों पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह ने अपनी टीम के साथ कई होटलों और रेस्टोरेंट पर जाकर जांच कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित टांडा ने बताया कि यमुनानगर जिले की सीमा हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है, इसलिए सीमा और सभी चौक पर नाकेबंदी बढ़ाई जा रही है। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कभी भी किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि हो तो पुलिस को सूचना दे और प्रॉपर आईडी लेकर के जो भी नियम बने, जो भी गाइडलाइन है सरकार के द्वारा, उसके द्वारा ही कमरा दे। अभी माननीय एसपी साहब ने जो व्यापारियों में एक हौसला दिया हुआ है सुरक्षा का पुलिस के द्वारा, तो उससे भी सभी व्यापारी खुश हैं और होटल वाले हैं चाहे किसी भी व्यवसाय वजूद। 15 अगस्त की सुरक्षा के बारे में हमें जो गाइडलाइन मिली है उसके तहत हमने शहर के सभी संदिग्ध संस्थानों और होटलों ढाबों पर चेकिंग शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन पर हम आज भी चेकिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग वहाँ हमारी लगातार चली हुई है और हमारी 10 राइडर और 3 ERV मेरी थाना शहरी यमुनानगर के क्षेत्र में 24 आवर पेट्रोलिंग कर रही है और हम सुरक्षा की दृष्टि से पूरी चौकसी रख रहे हैं। तो फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम मनोहर लाल यमुनानगर का दौरा करते हुए विधानसभा के वकाना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों का निरीक्षण किया, साथ ही खुला दरबार लगाकर आम लोगों की शिकायतें भी सुनी। तो सीएम मनोहर लाल ने वकाना गांव पहुंचे, इस दौरान उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का निरीक्षण किया, इसके साथ ही उन्होंने खुला दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। हरियाणा के रेवाड़ी में गैस टीचरों ने अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि सीटीएम को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं गैस टीचरों ने कहा कि सरकार ने अगर हमें नियमित नहीं किया तो 2024 के चुनाव में भारी नुकसान होगा। तो रेवाड़ी में गैस टीचरों ने धरना प्रदर्शन किया, इस दौरान उन्होंने मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया। जिला सचिवालय पर यह धरना प्रदर्शन किया गया, इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 2024 में परिणाम
भुगतना पड़ेगा। चाहेंगे सरकार ने हमारे साथ काफी शोषण किया है 18 सालों से, हम लगातार इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन सरकार ने कभी भी हमारी तरफ नहीं देखा है और जो वादा किया था वो भी उन्होंने कोई पूरा नहीं किया, बिल्कुल कोरा ड्रामा है और हम उसका विरोध करते हैं। आज भी पूरे हरियाणा प्रदेश में हम विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों का कि सरकार ने मैं तो यूं कहूंगी कि इस सरकार से निकम्मी सरकार हमने कभी नहीं देखी, क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे करने के बाद भी वादा खिलाफी करी हमारे साथ और गैस टीचरों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है इस सरकार ने। और अब अपने वादे को निभाने का टाइम आया है तो हम चाहते हैं कि वो हमें एक कलम से एक साथ सभी गैस टीचरों को पक्का करे। उधर पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर और विधायक दीपर मंगला के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें तिरंगा यात्रा के समय भारत माता की जय करते हुए हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर यात्रा निकाली गई। वहीं यात्रा के समय स्थानीय लोगों के अलावा पार्टी के पदाधिकारी और अन्य लोग भी शामिल हुए। तो पलवल में तिरंगा यात्रा निकाली गई, तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय के नारे लगे। वहीं कुरुक्षेत्र में आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर थानेदार विधायक सुभाष सुधा के घर के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी मांगें जल्द से जल्द मानी जाएं। वहीं इस प्रदर्शन में जनसंघर्ष मंच ने भी उनका सहयोग किया और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। आशा वर्कर एसोसिएशन की जिला प्रधान पिंकी देवी ने कहा कि पूरे प्रदेश में सभी विधायकों के घर के सामने प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया था। इसी कड़ी में जिला में भी थाने सर के विधायक सुभाष सुधा के घर के सामने ही प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मांग रही है। वहीं कुछ जिलों में आशा वर्कर के साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया जिसकी वह छुड़वाने की मांग कर रहे हैं। विधायक के बेटे हैं, ये एसी में से उठ के आए हैं और 2 मिनट धूप में खड़े हो गए तो मैडम कह रही है पुलिस वाले पीछे कि भाई पहले तो इनको बुला लिया तो क्या बात होगी, जनता ने वोट भी तो दी थी। जब जनता से वोट लेके आए थे आपने क्या वादे किए थे कि आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे, हम आपके साथ हैं, आपके उम्मीदवार आपका भाई सुभाष सुधा जी आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे और अब 10 मिनट धूप में खड़े होने में भी दिक्कत आ गई, कमाल की बात है। जब जनता पावर दे देती है, जनता की पावर ले लेते हैं वोटों से ये बनते हैं, जब तो ये जनता के दरवाजे पे हाथ पैर जोड़ते हैं और अब इनको 10 मिनट में अगर धूप में खड़ा हो गया तो इनको सजा दे दी हमने, बल्कि उल्टा ही उन्होंने हमें सजा दे रखी। हमारी हर घर तिरंगा की मुहिम के चलते बीजेपी पार्टी भी रोहतक के गढ़ी सापला किलोई विधानसभा क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा शहीद राय सिंह के प्रतिमा से शुरू होकर छोटू राम की प्रतिमा पर जाकर समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सतीश नादल ने किया। तो वही नादल ने कहा कि पूरे भारत में विधानसभा और गांव स्तर पर यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जिन शहीदों ने हमें आजादी दिलवाई उनको नमन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए इन तिरंगा यात्राओं की शुरुआत की गई और साथ ही कहा कि यह भाजपा की नहीं हर देश के नागरिक की यात्रा है। स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। ये पूरे भारत में हर हल्के स्तर पर गांव स्तर पर तिरंगा यात्राओं का शुरुआत हो गई है, तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। हमारे देशभक्तों को हमारे शहीदों को नमन करने के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये यात्रा पिछली बार भी निकली थी, उससे पिछली बार भी निकली थी। भारतीय जनता पार्टी अपने देशभक्तों का शहीदों का जो मान सम्मान करती है उसी कड़ी के तहत ये यात्रा का आयोजन किया गया हल्का गड्डी सांपला कलोई का और पूरे 4 के 4 हल्के जिला रोहतक में उनका समय निश्चित है, आज शाम को रोहतक का भी। उधर पलवल में आजादी के अमृत महोत्सव के चलते एपीएस इंटरनेशनल स्कूल में मेरी माटी मेरा देश की अगुवाई में भव्य रूप से देशभक्ति के गानों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पलवल विधायक दीपक मंगला मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला DSP हेडक्वार्टर साकिर हुसैन भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों की ओर से आजादी के गीत प्रस्तुत किए गए। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सारे देश के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं साथियों सबसे पहले अपने बाहर से आए हुए अतिथियों का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे यहाँ पुलिस से भी बहुत अधिकारी बैठे हुए हैं। साथियों देखिए मैं तो आपके बीच में हमेशा रहता हूँ
और मैं अपनी बात भी कहता रहता हूं। लेकिन साथियों, जो ये मौका है, मैं बधाई देना चाहूंगा भाई सुरेश जी को और यहाँ सारे स्टाफ को, मैनेजमेंट को, कि प्रति वर्ष ऐसे देशभक्ति के सारे अच्छे कार्यक्रम, कोई ऐसा कार्यक्रम या कोई ऐसा मौका छूटते नहीं है जहां ऐसे कार्यक्रम ना हो। ये विद्यालय हमारे जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में चाहे अन्य गतिविधियां हैं, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे समाज और हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात हो, वही देशभक्ति की भावना से ओप्रोत और अनुशासन को लेकर के यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के स्टाफ सारे आज का कार्यक्रम बच्चों का इन्वेस्टिचर सेरेमनी स्कूल में मनाया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी सभी हाउसेस के माध्यम से अपनी अपनी परेड कैप्टन वाइस कैप्टन के बैनर तले उन्होंने निकाली और सभी को, जो आए हुए मेहमानों को, अपनी सलामी दी। और सलामी देने के बाद सभी बच्चों को, हेड बॉय, हेड गर्ल, अलग अलग स्पोर्ट्स में जो कैप्टन है उनको सम्मानित किया गया। साथ साथ में इस कार्यक्रम को हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनिशिएटिव, जो मोदी जी के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव पर जो हमारे कार्यक्रम मोदी जी चला रहे हैं, लास्ट ईयर घर घर तिरंगा, वो भी स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी के जरिए जोड़ा गया था। और इस बार इस कार्यक्रम को भी हम मेरी माटी मेरा देश, अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी कुर्बानी को याद करके देश के लिए क्या हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे देश को अमर शहीदों के सपनों का देश बनाकर उनकी वास्तव में दी हुई कुर्बानियों को सही मायने में अपने दिलों तक ले जाकर देश के लिए हम कुछ कार्य कर सकें, उनसे प्रेरणा लेकर। तो इसी कार्यक्रम में हमारी मेरी माटी मेरा देश से जोड़कर उसी से देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम भी बच्चों ने दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।